सभी को जय हिंद और नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने इंट्रो देखा, बिल्कुल हाँ, आप सभी के लिए एक मस्त रनिंग शूज लेके आया हूँ। चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों इस शूज को बाय कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैं अलग बताऊंगा, बॉयज के लिए अलग शूज बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आखिर हम कौन सा कंपनी का जूता पहने। तो आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ एशियन शूज, ठीक है। एशियन शूज में कई सारे वेराइटीज हैं, कई सारे क्वालिटीज हैं और बहुत सारे शूज हैं। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो पहला शूज है हमारा, वो है एशियन इनोवा 08 स्पोर्ट्स रनिंग शूज, जो आपके सामने हाजिर होने वाला है। ये देखिए, ये है हमारा पहला रनिंग शूज। इसके जो कुशंस है उसकी मैं बात करूंगा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, जब भी आप जूता लेते हैं तो ये क्या होना चाहिए, दबना चाहिए, ठीक है। तब ना आप जब रनिंग हार्ड सरफेस पे करो तो ये जो उधर से प्रेशर आता है, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। साथ ही साथ इनके ग्रिप की बात करेंगे, आप इनका ग्रिप का क्वालिटी देख सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारा रनर जब आप स्पीड भागेगा, स्पीड खींचेगा, तो क्या होता है कि आपके पैर पीछे स्लिप हो जाती है, ग्रिप बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये ग्रिप दिया हुआ रहता है, इसका ग्रिप A1 है। बात करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, आप देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चेक करना चाहिए? आप जो बोलते हैं ना, रनिंग करते समय हमारी वो जो पंजा होता है वो दर्द करता है सर, क्यों? क्योंकि आपका जूता फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जूता बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप इसे बाइक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका मेन, जो इसके बिल्कुल जेल भरा हुआ है, ठीक है। तो आप इस शूज़ को ज़रूर बाय कीजिए। साथ ही साथ इसका क्वालिटी और जो अब इसका बात, इसका क्वालिटी A1 है भाई साहब, आप बात कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम रनिंग करते समय हमारी जो जो ये वाली हिस्सा होती है पैर की, ये क्या होता है कि छिल जाता है या फिर दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइट रहता है। तो इसका ये भी टाइट नहीं है, साथ में ये कुशन दिया हुआ है। इसकी जो प्राइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 1099 के आसपास, या फिर आपको इससे कम में भी मिल जाएगा, कभी कभी ऑफर आएगा तो, ठीक है। तो इस शूज़ को अगर आप बाय करना चाहते हैं, इनोवा 08 को, स्पोर्ट्स रनिंग शूज को, तो आप जाइए मेरे लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और इस शूज को जरूर बाय कीजिए। और कैसा लगा शूज ये भी कमेंट्स करके बताएं। जो दूसरा शूज आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, जो एशियन ब्रांड का ही है, वो है एशियन मैन रनिंग 03 स्पोर्ट्स शूज। वो आप सभी के सामने आ रहा है, ये देखिए, ये रहा आपका शूज, ठीक है। इस शूज की भी बात करेंगे, सबसे पहले चलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, ये देखिए, ठीक है। दूसरा बात करेंगे इसका, जो ये नेट दिया हुआ रहता है ना, ये बहुत A1 क्वालिटी का है भाई साहब, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये फटेगा। फटेगा तो हर एक शूज, कोई भी आप कोई भी अच्छा से अच्छा ब्रांड लीजिएगा, वो फटता है, क्यों? क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं। चाहे आप 10,000 का शूज़ भी लें, वो भी फटता है। जब तक फटेगा नहीं, बोला जाता है ना, पुराना जाएगा नहीं तो नया कैसे आएगा। अब इसका बात करेंगे, ये जो शॉकिंग एब्जॉर्बर होता है, एक तरह से बोल सकते हैं शॉकिंग एब्जॉर्बर, जो ये शूज़ का जो, जैसे आप पैर वगैरह स्ट्राइक करते हैं ज़मीन पर, तो ये शॉक एब्जॉर्ब करता है उसका, ये देख सकते हैं फोम। सेम इसका अंदर का जो बात करेंगे हम लोग, इसका भी जेल दिया हुआ है अंदर में, फॉर्म एकदम बहुत ही अच्छा A1 क्वालिटी का है। साथ में इसके पीछे की बात करेंगे, वो भी बहुत बेस्ट है। सारा कुछ इस शूज़ का अच्छा है। अब चलते हैं मेन, इसका जो बात आती है ग्रिप की, इसका ग्रिप भी A1 है, ये देखिए, पूरा ये ज़मीन पकड़ के चलेगा भाई साहब। और रनिंग में आगे बढ़ना है तो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा, अगर ज़मीन से ऊपर जाइएगा तो रनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप अगर भरोसा करते हैं अपने आप पर और मुझ पर, तो आप ज़रूर करें भरोसा एशियन पर, ठीक है। तो इस शूज़ का जो मैं प्राइस बताने जा रहा हूँ, वो है 1099 के रुपीज़, जो मैंने पिछले दाम बताया। और इसके शूज़ के दाम घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्या पता अभी बढ़ जाए। ऐसे तो आप इसका डब्बा मंगाइएगा तो 3,000 के आसपास उसमें लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अभी भयानक ऑफर चल रहा है, आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। ये आपको 1099 के आसपास में मिल जाएगा। इसे बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जाइए बाय कीजिए। देखो, मैं शूज़ के बारे में आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, सीन पेन, नी पेन और बहुत सारा इंजरी हो जाता है। किसके कारण होता है? शूज़ के कारण। बहुत सारा शूज़ आप ऐसा ले लेते हो रनिंग करते समय, आपकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है, जिसके कारण आपका एंकल खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा से अच्छा शूज़ बाय कीजिए, पैसा थोड़ा लगाइए। किस पे लगाइए? शूज़ पे, ठीक है। अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा शूज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो मैं बहुत कम टिप्स लाता हूँ गर्ल्स के लिए, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि गर्ल्स के लिए भी टिप्स लाना स्टार्ट करूँ। यहाँ पे बात करेंगे कि गर्ल्स जो रनिंग करती है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि शूज़ कौन सा इस्तेमाल करें। उस शूज़ का नाम है एशियन वुमेन फायर फ्लाइटी 03 स्पोर्ट्स रनिंग शूज़। वो आपके सामने हाजिर हो रहा है।
बहुत स्पीड से आ गया ये तो। ठीक है, वो आपका ये शूज़ है, शूज़ बहुत ही A1 क्वालिटी का है। बात करेंगे इसका जो सॉकिंग एब्जॉर्ब करती है इसका, वो भी बहुत अच्छा है। साथ में इसके अंदर में जो दिए हुए है ये फॉर्म भी बिल्कुल जेली टाइप का है, जेल भरा हुआ है इसके अंदर, ये सॉक कर आपका एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ गर्ल्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है और वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि कौन सा रनिंग शूज़ लें, तो आप ये एशियंस का रनिंग शूज़ ले सकते हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट है और बिल्कुल ही हल्का है, ठीक है, बहुत ही लाइट वेट है इसका। और इसका जो नेट का बात करेंगे, नेट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, साथ में इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये शूज़ को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है तीनों शूज़ का। इसके कंपनी ने और भी बहुत सारे शूज़ बनाए हुए हैं, आप जाके उन्हें भी बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस मैं बताने जा रहा हूँ वो 600 के आसपास ये आपकी प्राइस में आ जाती है, गर्ल्स की जो शूज़ की रहती है। और इसे आप खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजोन में जाके खरीद सकते हैं या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इसे बाय आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताओ, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।